बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है वो मैं बात करने वाला हूँ परसेंटेजेस। परसेंटेजेस क्या होती हैं, हम क्यों कैलकुलेट करते हैं और इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इस वक्त आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी कितनी है। तो आप में से अक्सर लोग कहेंगे कि सर 50% है, कोई कहेगा 40% है, कोई कहेगा 30% है, कोई कहेगा 90% है। 90%, 40%। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने वर्ड परसेंट यूज नहीं करना तो फिर आप मुझे कैसे बताएंगे। हो गई ना मुश्किल कि अगर परसेंट नहीं यूज करना तो फिर कैसे बताएंगे। फिर आप कहेंगे कि सर ऑलमोस्ट आधी बैटरी बची है, ऑलमोस्ट जो है वो 1/3 बची है, ठीक है, तकरीबन खत्म होने वाली है। भाई तकरीबन का क्या मतलब है, मुझे क्लियर आइडिया हो कि तकरीबन जो है वो कितनी तकरीबन खत्म होने वाली है, कितने टाइम में खत्म होने वाली है, ठीक है। हमें आइडिया नहीं होता अगर परसेंटेज यूज नहीं कर रहे तो हम वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई कि परसेंटेज हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम किसी वैल्यू को परफेक्ट जो है वो बता सकें, ठीक है, सही वैल्यू बता सकें। अंदाजन तकरीबन ये चीजें छोड़ दें, बल्कि सही एक डिजिट में उसकी वैल्यू को जो हम मेजर कर सकें। एक तो ये पॉइंट हो गया कि किसी वैल्यू को मेजर करने के लिए सही अंदाजा बताने के लिए। सेकंड कंडीशन ये है कंपैरिजन करने के लिए। लेट्स से कि एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 600 out of 800, ठीक है, और दूसरे के हैं 1200 out of 1600। तो आप इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे, ठीक है, इसका कंपैरिजन हम क्या करेंगे, परसेंटेज लेके करेंगे। परसेंटेज लेके ही हमें जो है वो इसका पता चलेगा कि इनमें कितना फर्क है। तो हम परसेंटेज ले लेते हैं। परसेंटेज कैसे ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो ये बन जाएगा 75%। आप कैलकुलेट कर लें अगर यकीन नहीं है तो, ठीक है, और इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 75% बन जाती है। देखें, हैं दोनों की जो है वो 75%, लेकिन मार्क्स से हमें अंदाजा नहीं हो रहा, मार्क्स से तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, लेकिन हम अब किस नतीजे पर पहुंचेंगे कि दोनों स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस एक जैसी है, क्योंकि उसके भी 75% हैं और दूसरे स्टूडेंट के भी 75% हैं। अगर परसेंटेज ना होती तो ये वाला कितना मुश्किल काम था कि 800 में से 600 और 1600 में से 1200, ठीक है। अब दो चीजें हो गई कि किसी भी वैल्यू को मेजर करने के लिए हम परसेंटेज जो है वो यूज करते हैं, दूसरा कंपैरिजन करने के लिए भी हम परसेंटेज का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूं वर्ड परसेंट पे। भाई परसेंट है क्या, पहले तो हमने देख लिया कि यूज कहां करते हैं और अगर यूज नहीं करेंगे तो हमारे लिए कितनी मुश्किल हो सकती है। मोबाइल फोन की बैटरी नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते हमने कितने परसेंट काम कर लिया है। अगर परसेंट निकाल दें तो फिर भी हमें पता नहीं चलेगा कि हमने कितना काम कर लिया, ठीक है। परसेंटेज क्यों जरूरी है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब परसेंटेज है क्या, अब हम ये डिस्कस करेंगे। वर्ड है परसेंट। परसेंट ये दो वर्ड्स को मिला के जो है वो बना हुआ है, एक है पर और दूसरा है सेंट। पर कहते हैं फी हर एक, फी पर कहते हैं फी हर एक के लिए। सेंट का मतलब होता है 100, अ सेट ऑफ 100 एलिमेंट्स। सेंट किसे कहते हैं, अ सेट ऑफ 100 एलिमेंट्स, कि एक ऐसा सेट हो जिसमें 100 एलिमेंट्स हो। अच्छा, पर सेंट के फीसद हर 100 में से, हर 100 में से कितने हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, आप जो पिछली एग्जांपल्स ली हैं मैं उसमें भी एक्सप्लेन करूंगा कि हर 100 में से कैसे। परसेंट फीसद हर 100 में से, कि हर 100 में से कितने हैं, ठीक है। अब देखें, मैं वापस आता हूं इसी बात की तरफ, इसी एग्जांपल की तरफ। देखें हर 100 में से कितने हैं 75, हर 100 में से कितने हैं 75, हर 100 में से कितने हैं 75, ठीक है। अगर 100 में 75 हैं तो 800 में, 800 में कितने जो हैं वो होंगे। देखें अगर 1 में 75 हैं तो 800 में कितने होंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 600 आएगा। देखते हैं,
ये फोर फोर बचा और ये सिक्स, देखें आ गए ना, ठीक है, कि 800 में जो है वो आठ मर्तबा जो है वो 75 है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, अगर है 20% हर 100 में से, मतलब 20% पर और सेंट कि हर 100 में से 20, 30% 30/100, 50/100 कि हर 100 में से 50, हर 100 में से 30, हर 100 में से 20, तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से ये अमाउंट आ जाती है कि अगर ये परसेंट है तो हमारे पास ये फ्रैक्शन की सूरत में होता है। अगर हम अपने मार्क्स की परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं तो उसको मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं तो परसेंटेज आ जाती है, ठीक है। जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जितने टोटल हैं और उसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारे पास 75% आ गए। लेकिन इसका लॉजिक क्या है, हम ऐसे करते क्यों हैं, कोई फार्मूला तो होगा ना जी। मैं आपको बताऊंगा कि इसका फार्मूला क्या है। इसके अलावा अगर हमसे कोई कहे कि 400 का 25% लें, 400 का 25%, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 से और डिवाइड कर रहे हैं 100 से, जबकि यहां पे तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, ठीक है। अब इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में क्या फर्क है, यहां पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहां पे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गए और ये कितना बचा, 25 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो ये 100 बचा। तो क्वेश्चन ये है कि परसेंटेज ही लेनी है ना, यहां पे भी परसेंटेज लेनी थी, यहां पे भी परसेंटेज लेनी थी, 25% लेना था 400 का, तो हमने यहां पे मल्टीप्लाई क्यों किया है। क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि यहां पे हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है और यहां पे हमने इसको डिवाइड क्यों किया है, क्या रीजन है इसके पीछे। तो मैं आपको बताता हूं कि इसकी रीजन क्या है। अगर आप गौर से देखें, हमने कितना क्या लेना है, 600 इज व्हाट परसेंट ऑफ 800, ये इसको हम अगर लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, जस्ट बोलने की कोशिश करें तो क्या कहते हैं, 600 इज व्हाट परसेंट ऑफ 800 कि 600 800 का कितने परसेंट है ना, इसी तरह से। तो देखें 600 इज व्हाट परसेंट ऑफ 800, 600 इज व्हाट परसेंट ऑफ 800, तो बिल्कुल ये वाला सोल्यूशन है। अच्छा, अब मैं आपको जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, ठीक है, मैं फार्मूला से आपको समझाऊंगा ये बात। 600 इज व्हाट परसेंट ऑफ 800, तो क्या करेंगे कि इसको एक इक्वेशन में बना लेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन कैसे बनेगी, 600 इज, मैंने बहुत से क्वेश्चंस में बताया है कि जब इज आता है तो इक्वल का साइन आता है, तो देखें 600 इज व्हाट परसेंट ऑफ 800, व्हाट का मतलब है कि हमें नहीं पता, हमने मालूम करना है कि कितने, ठीक है, तो हम उसको ऐसे कह लेते हैं कि ये कितने, ठीक है, x, ठीक है, हमें नहीं पता कितने, व्हाट परसेंट कितने, लेकिन परसेंट आ गया तो इसका मतलब है ये वाला फॉर्मूला 20/100 वाला, कितने परसेंट है ऑफ 800 का, ऑफ का मतलब है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ जहां पे भी आ जाए हमने मल्टीप्लाई करना है। मैथमेटिक्स का ये रूल समझ लें कि ऑफ जहां पे भी आएगा हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 800। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये 800x आ जाएगा, ये 100 आ गया और ये 600। अब ये वाला यहां पे डिवाइड हो रहा है, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 60,000 बन जाएगा, ठीक है, और 8x इधर 800 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको हम डिवाइड करें, हम कर देते हैं, ठीक है, 8 7 54, 4 बचा और ये 5 75, x इज इक्वल टू 75%।
अब देखिए मैंने क्या कहा था कि अब हमने इसको प्रूव कर दिया कि हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, और यहां पे जब 25% लेना था तब हमने डिवाइड क्यों किया था, वो अभी प्रूव करना बाकी है। हम उसको भी सॉल्व करते हैं कि वो कैसे सॉल्व होता है। लेकिन अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने एक्चुअली ये करना होता है, तो हम इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करके हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है, हमें ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब हमें कोई बताए कि हमारे टोटल मार्क्स इतने हैं और हमने ऑब्टेन इतने किए, तो क्या करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारी परसेंटेज आ जाती है। ठीक है, हमें ये वाला लेंथ ही काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन था कि हमने 400 का 25% लिया था, 400 का 25%। अब देखें व्हाट इज 25% ऑफ 400। मैंने बताया था कि व्हाट हो तो उसको एक्स लिख लें, व्हाट है तो उसको एक्स लिख लिया, इज है तो उसको इक्वल लिख लें, 25% है तो 25, ये देखें 25% जैसे ये 20 और 100 है तो 25% ऑफ मल्टीप्लाई 400। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, ये जीरो से जीरो कट गया, ये 25 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमारे पास 100 बच गया। अब आपको समझ आ गई होगी कि हम यहां पे अगर 25% किसी अमाउंट का लेना हो तो उसको डिवाइड क्यों करते हैं, और अगर ये मालूम करना हो कि कोई अमाउंट दूसरी अमाउंट का कितने परसेंट है तो उसको मल्टीप्लाई क्यों करते हैं।